First of all, good afternoon to all of you. Today we are discussing on the topic GST benefits and limitations. Okay, students? ठीक है स्टूडेंट्स, बच्चे मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ तुम्हारे साथ. आज हमने करना है बच्चे बेनिफिट्स क्या हैं जीएसटी के और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं. देखो बच्चे, सबसे पहले बेनिफिट्स में हमारे पास इकॉनमी को क्या बेनिफिट्स हैं, सिटीज़न को नेक्स्ट, उसके बाद है बच्चे, एक मिनट बच्चे, चरणजोत बच्चे टाइम से ज्वाइन किया करो बच्चे. देखो बच्चे, बेनिफिट्स इसके इकॉनमी को क्या है, सिटीज़न को क्या है, ट्रेड को क्या है, ठीक है, और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को क्या है. सबसे पहले बच्चे हम पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जीएसटी का क्या बेनिफिट है. देखो इकॉनमी मीन्स सारे लोगों को क्या बेनिफिट है, एट ए मैक्रो लेवल पर हम बात कर रहे हैं. बच्चे जब जीएसटी बना ना तो इसका मेन बेनिफिट यही था, वन लॉ फॉर ऑल स्टेट्स, ठीक है, मीन्स सारी कंट्री के लिए एक ही लॉ था. तो उससे क्या है, यूनिफॉर्म्ड कॉमन मार्केट. इट मीन्स अगर 5% हमें टैक्स लग रहा है फूड प्रोडक्ट्स पे, तो अगर चाहे हम किसी भी स्टेट में परचेज कर रहे हैं, सभी जगह पे सेम ही लगेगा टैक्स का रेट. तो इट मीन्स यूनिफॉर्म होगी कॉमन मार्केट. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, इंक्रीज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है बच्चे, वो इंक्रीज होगा क्योंकि टैक्स एट द टाइम ऑफ सप्लाई लगना शुरू हो गया था. नेक्स्ट है बच्चे इन्हांसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स. देखो बच्चे, एक्सपोर्ट्स का जो है बिज़नेस बढ़ा क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हो रही थी. प्रॉपर अगर हम प्रोडक्ट्स की यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अगर हम अपनी इकोनॉमी को सर्व करने के बाद अगर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं, तो इट मींस जीएसटी का बेनिफिट हो रहा है. जनरेशन ऑफ द मोर जॉब्स थ्रू द इन्हांस इकोनॉमिक एक्टिविटी. देखो स्टूडेंट्स, अगर इंडस्ट्रीज ज़्यादा ओपन होंगी तो उस वजह से क्या होएगा, लोगों को जॉब्स भी ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है. नेक्स्ट है बच्चे बेनिफिट्स टू सिटीज़न. सिटीजन्स को बच्चे क्या बेनिफिट्स हैं, सिंपल सिस्टम है. एक तो प्राइसेस में रिडक्शन आता है क्योंकि बच्चे कास्केडिंग इफेक्ट इसमें एलिमिनेट हो जाता है, ये बच्चे मैंने तुम्हें करवाया है. उसके बाद बच्चे प्राइसेस यूनिफॉर्म हो जाते हैं सारी कंट्री के लिए. ट्रांसपेरेंट है टैक्सेशन सिस्टम, क्योंकि मैंने अभी बताया सभी स्टेट्स के लिए सेम रेट है टैक्सेशन का. एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं, अभी हमने ऊपर पढ़ा. और कंपटीशन बढ़ेगा बच्चे, मैन्युफैक्चर और बिजनेस विल बेनिफिट. क्यों कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि बच्चे सभी प्रोडक्ट्स की है जो मैन्युफैक्चरिंग होनी शुरू हो जाएगी. बच्चे अभी मैंने बेनिफिट्स में इकॉनमी और सिटीजन के करवाए हैं, किसी को इसमें डाउट है बोलो. स्टूडेंट्स दो पॉइंट्स करवाए हैं अभी, किसी को डाउट है, किसी को कुछ पूछना है इसमें, क्लियर है बच्चे? ठीक है बच्चे. उसके बाद है बच्चे नेक्स्ट, बेनिफिट टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री, या फिर नेक्स्ट जो है बेनिफिट टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. देखो बच्चे, बेनिफिट टू ट्रेड एंड इंडस्ट्री मींस जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है उनको क्या बेनिफिट होएगा. एक तो बच्चे मल्टीपल जो टैक्सेस लगते थे वो ख़त्म हो गए, जैसे कि सेंट्रल स्टेट टैक्स, लग्जरी गुड्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सारे ख़त्म हो गए. तो इट मींस टैक्सेस की जो मल्टीपल टैक्सेस है वो कम हो गए. उसके बाद है बच्चे मिल्टीगेशन ऑफ द कास्केडिंग और द डबल टैक्सेशन, ये भी मैंने तुम्हें पहले करवाया, मींस डबल टाइम पे अब टैक्स नहीं लगता. नेक्स्ट है बच्चे मोर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द टैक्सेस स्पेशली इन फॉर द एक्सपोर्ट. मींस जो बच्चे एफिशिएंट यूटिलाइजेशन जो है एक्सपोर्ट्स के टाइम पे जीएसटी की शुरू होगी. डेवलपमेंट ऑफ ए कॉमन नेशनल मार्केट, ये भी बच्चे नेशनल लेवल पे जब रेट ही सेम रहेगा तो इट मींस जो है जीएसटी का रेट अलग अलग स्टेट अपने अकॉर्डिंग नहीं लगाएगी, तो इट मींस जो गुड्स का प्राइस है वो भी कॉमन रहेगा फिर. नेक्स्ट है सिंपल टैक्स रिजम, फ्यूअर टैक्स एंड एग्जम्पशन. मीन्स जो रेट्स हैं वो भी कम है. कौन से मोस्टली चलते हैं बच्चे, 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है. और एग्जम्पशंस भी दी हुई हैं कॉमन, ठीक है. यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स फॉर द रजिस्ट्रेशन, फिलिंग ऑफ रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड टैक्स रिफंड्स. मीन्स बच्चे जो रेट्स हैं, जो रिटर्न है, हर पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए सेम प्रोसेस है, ठीक है. नेक्स्ट बच्चे जो मेन पॉइंट है वो है बेनिफिट्स टू द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. बच्चे सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हुआ, देखो सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट ने एक नया मिशन चलाया था, मेक इन इंडिया कैंपेन. इसमें क्या था बच्चे, उन्होंने मार्केट को बूस्ट अप करना था. फॉरेन में अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. फॉरेन में इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब यहाँ पे हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अच्छे चलेंगे और हम एक्सपोर्ट्स करेंगे. एक्सपोर्ट्स हम तभी अच्छे से कर पाएंगे जब हमारे पास जो है गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी और हमारे पास जो है गुड्स में
क्वालिटी मिलेगी। देखो सेकंड पॉइंट में बच्चे यही है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे तो हमारा जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा और इससे क्या है गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा और हमारी कंट्री की भी ग्रोथ होगी। ठीक है, इम्प्रूविंग दी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन दी कंट्री विच विल बेनिफिट दी डेवलपमेंट ऑफ अ स्टेट। देखो बच्चे स्टेट्स की भी डेवलपमेंट होगी क्योंकि सभी स्टेट ने सेम रेट लगाना है। यूनिफॉर्म सेंटर GST एंड सॉरी बच्चे यूनिफॉर्म स्टेट GST एंड IGST रेट्स टू रिड्यूस द इंसेंटिव्स फॉर द टैक्स इवेजन। बच्चे रेट्स ही सेम है तो टैक्स इवेजन कम होती है। एक चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जो इनडायरेक्ट टैक्स में होता है ना GST में, यहाँ पे टैक्स की इवेजन एज कम्पेयर डायरेक्ट टैक्स कम होती है। ठीक है, रिडक्शन इन द कंप्लायंस कॉस्ट एज नो रिक्वायरमेंट ऑफ ए मल्टीपल रिकॉर्ड कीपिंग, क्योंकि बच्चे आजकल सारा कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन एक बार डाटा जो सेव हो जाता है वो सारा सेव रहता है। बच्चे थर्ड और फोर्थ पॉइंट में किसी को डाउट है? नो मैम। क्लियर है बच्चे? यस मैम। ठीक है बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू।